दोस्तों अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं कार्ड के ऐसे खेल जिसे आप पब्लिक प्लेस में जाकर के दिखा करके लोगों को सोच में डाल सकते हैं और वो समझ नहीं पाएगा कि आप इस खेल को कैसे किए हैं। बगैर देखे हुए ही आप पत्ती के साथ कुछ ऐसा खेल करेंगे कि सब लोग सोच में पड़ जाएगा। तो चलिए पहले हम पैड पर करके दिखाते हैं नीचे और इसके बाद इसे लोगों के बीच करके दिखाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि दिखाने के बाद इसे सिखाने का भी काम मेरा है। तो यहाँ पे हम अजीत को खेल दिखाने जा रहे हैं। अजीत, इसमें से दो इक्का है वो आप अपने पास रखिए, ठीक है? दोनों इक्का को अब आपके सामने इस कार्ड को अच्छी तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। इसको बढ़िया तरीके से आपके सामने में हम मिक्स कर ले रहे हैं। ओके, अब इस कार्ड को बढ़िया से मिक्स कर दिया आपके सामने में। अब इसे हम एक दूसरे के अंदर डाल भी देते हैं, ठीक है? अब यहाँ हम एक एक करके डालेंगे। आप कहीं भी इस कार्ड को रखिएगा स्टॉप बोल करके, कहीं भी आप स्टॉप बोल सकते हैं। इसे हम नीचे डाल रहे हैं। ओके, तो इसे आप फेस ऊपर करके रख दिए। अब इसे यहाँ डालें हम, फिर आप फेस ऊपर करके ही रखिएगा, कहीं भी स्टॉप बोल सकते हैं, आप कहीं भी स्टॉप बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अजीत आप अपने मन से बोले हैं। अब देखते हैं कि इनका फेस अप वाला कार्ड कहाँ पे है। तो यहाँ पे कार्ड है तो इस फेस अप को ए वाला ढक रहा है, तो इसे बाहर कर देते हैं। एक मिनट यहीं पर इसे रहने दीजिएगा। और यहाँ पे है फेस अप तो ए ढक रहा है इसे, तो ए वाला ढक रहा है ना, ना करो। तो इसे अब यहाँ डालते हैं। अब अजीत, इस कार्ड को हम पलटकर आपको दिखाते हैं कि कौन सा कार्ड है। यहाँ देखिए, ए इक्का, ए इक्का। दोस्तों बहुत ही शानदार खेल है, आप कहीं भी इस खेल को दिखा सकते हैं। चलिए आपको इस खेल को हम लोगों के बीच करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ से आपको कुछ कार्ड हम देते हैं, जैसे ए कार्ड पकड़ लीजिए और इस कार्ड को पकड़िए, इक्का को, इसमें से और हम आपको इक्का देते हैं, यहाँ है इक्का, ठीक है? अब यहाँ इस कार्ड को रेंडमली हम मिक्स करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, ठीक है? आप लोगों के सामने भी इसे मिक्स कर रहे हैं। ओके, कोई डाउट? ठीक है, अब इस कार्ड को बढ़िया से मिक्स कर दिए, आपके सामने मिक्स किए हैं। अब हम यहाँ पे ये आप यहाँ हाथ लाइए, ओके, इनके हाथ पे कार्ड को रखेंगे, ठीक है? और आप रुकने के लिए बोलिएगा, इसके हाथ पे कार्ड को हम डालेंगे, आप रुकने के लिए बोलिएगा, कहीं भी बोलिएगा कि रुक जाइए, कहीं भी आप बोल सकते हैं रुकने के लिए, हाँ रुक जाइए। तो एक कार्ड यहाँ डालिए आप, ऊपर ही फेस करके, हाँ नहीं नहीं ऊपर ही, ठीक है? ठीक है, अब चलिए इसको यहाँ डाल दिए। अब फिर से आप अपने मन से बोलिएगा, आप हाथ आगे ही रखिए, आप हाथ कहाँ ले गए, ठीक है? अब फिर से हम इसे डाल रहे हैं, आप कहीं भी रुकने के लिए बोल सकते हैं, कहीं भी, ठीक है? अपने मन से आप बोल सकते हैं रुकने के लिए कहीं भी। चलिए अब इस कार्ड को आप रख दीजिए। अब आप बोले हैं हमें कार्ड पे रुकने के लिए, ठीक है? अब जहाँ पे वो जो कार्ड आएगा और जो कार्ड ढकेगा, जैसे यहाँ इस कार्ड को ढक रहा है, ठीक है? तो ये दोनों को पकड़िए आप, यहाँ उस वाले कार्ड को, आपके इक्का ऊपर वाला ढक रहा है ना, हाँ, तो इसको पकड़िए, ये दोनों को पकड़िए, हाँ दोनों को पकड़िए, दोनों को पकड़िए, ठीक है? देखिएगा मतलब ही, ओके, इसमें और भी कार्ड है जो आपका था यहाँ पे, ए पकड़िए, ठीक है? अब उस कार्ड को आप देखिए, तो चारों कौन सा कार्ड है, वो चारों कार्ड कौन सा है देखिए ना आप, क्या कहाँ चला है दुआ? मतलब आप कितना इक्का डाले हैं? दो ही डाले हैं। दो डाले हैं ना, दो पुलिस था और दो इक्का चोर था, वो चोरी करके भाग रहा था। चोरी के तो कहाँ से भाग रहे? सूरज जहाँ में था। पकड़ लिया है इसको। आप इक्का डाले हैं ना? इक्का डाले हैं। हाँ तो इक्का को पकड़ लिया है। कहाँ से पकड़ लिया है? जहाँ में तहाँ डाल लिया है। हाँ, इसी को बोलते हैं जादू, ठीक है? कोई था ना, चल दो था, कोई था नहीं चला है ना, कोई था ना, था अच्छा ही ना, पता इनको नहीं चला है कैसे हुआ है। चलिए तो दोस्तों आप इस खेल को कहीं भी दिखा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि इस खेल को कैसे किए हैं, है? क्या इसका, इसके पीछे क्या ट्रिक है, क्या रीजन है, कुछ पता नहीं। चलिए बहुत अच्छा। देखिए इस खेल को करने से पहले आपको प्री प्लानिंग करना होगा कि दो इक्का को एक जगह रखना है, दो इक्का ऐसे एक जगह पर रहेगा और दो इक्का को रेंडमली कहीं भी डाल दीजिए, कहीं भी डाला हुआ रहेगा दो इक्का, ठीक है? अब आप बोलेंगे कि मिक्स किए हैं इसके बाद भी ये मिक्स नहीं हुआ है, तो वो एक छोटा सा ट्रिक है। अब यहाँ पर ऑडियंस के बीच जा कर के बोलते हैं कि यहाँ जो इक्का है इसमें से कुछ इक्का को आप अपने पास रखिए, तो ऐसे एक इक्का को निकाल दिए
और इसी तरह से हम दोनों इक्का को ढूंढ करके इसमें से निकालते हैं, दोनों इक्का बाहर कर दिए। अब मेरा जो दो इक्का है वो बैक साइड में यहाँ पे लगा हुआ है, तो अब क्या करते हैं सिंपली कि ऑडियंस के बीच में हम इसे ऐसे फोर्स मिक्स करते हैं। इसे ऐसे जब करते हैं तो पीछे वाला कार्ड यहाँ पे नहीं आ रहा है, केवल आगे वाला कार्ड इसमें मिक्स हो रहा है, केवल आगे का कार्ड ऐसे मिक्स हो रहा है, केवल आगे वाला कार्ड। ओके, ऐसे मिक्स करने के बाद लास्ट टाइम हम यहाँ से कुछ और मिक्स करने का बहाना करके ऐसे डाल लेते हैं। इसे आप सिंपली ऐसे डाल सकते हैं, इसे ऐसे निकाल के ऐसे डाल सकते हैं। अब यहाँ जो एक दूसरे में जो फर्री, इसको शायद बोलते हैं ना करो, तो ये फर्री जो मारते हैं वो ऐसे मारते हैं। अब मेरा जो ऊपर का कार्ड है वह भी इक्का है और नीचे का कार्ड है वह भी इक्का है। अब इसमें जब भी हम मिक्स करेंगे तो इतना ध्यान रखेंगे कि ऊपर वाला को ऊपर रहने देना है, नीचे वाला को नीचे, तो नीचे वाला ही नीचे गया। अब इस कार्ड को ऐसे जाने देंगे और मेरा ऊपर का इक्का ऊपर आ गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो कार्ड देख रहे हैं यह मार्क डेक है। अगर आपको इस तरह का डेक चाहिए, बगैर देखे में पति पहचान सकते, जैसे यह कौन सा कार्ड है तो इक्का है, यहाँ इक्का में खाली रहता है। जैसे इस कार्ड को देखिए, एक कौन सा कार्ड, तो ये दुक्की है, तो दुक्की में खाली है। तो बगैर देखे हुए आप बता सकते हैं एक ऐसा कार्ड है। अगर इस तरह का कार्ड चाहिए तो आप हमारे शॉप से ले सकते हैं, नीचे नंबर शो हो रहा है। आप उसमें बगैर देखे हुए पत्ती जैसे पीछे से ही पहचान सकते हैं, जैसे यह कार्ड कौन सा है। यह जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यह सीधा आप बता सकते हैं क्योंकि यह गुलाम है। ठीक है, तो बगैर देखे हुए आप बता सकते हैं। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे हम। तो अब ऊपर मेरा इक्का है, अब नीचे मेरा इक्का है। अब नीचे ऐसे डालते जाते हैं, कहीं भी ऑडियंस स्टॉप बोलता है, तो जब स्टॉप बोलता है तो एक कार्ड को यहाँ डालने के लिए बोलते हैं। अब देखिए जो मेरा नीचे का जो कार्ड है वह इक्का ऑलरेडी इसके ऊपर चला जाता है ऐसे। ठीक है, अब इक्का को ढक दिया। अब फिर हम डालते जाते हैं नीचे, अब ऑडियंस स्टॉप बोलता है तो एक और इक्का जो नीचे है वो नीचे रहेगा। ये प्रैक्टिकली आप करके देखिएगा तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ये प्रैक्टिकल करने का चीज़ है। अब इसे फिर यहाँ डाल देंगे। अब दोनों इक्का एक दूसरे को ढक रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक इक्का यहाँ पे ढक रहा है, ठीक है, और एक इक्का यहाँ पे, तो दोनों के निकाल करके बता देना है ऑडियंस को ऐसे कि देखिए आप जो दो इक्का डाले हैं वो दोनों इक्का को ढूंढ कर ले आया है। तो यही खेल था, हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट खेल में।